अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोश फरमाइए। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी शेयर करेंगे। ज़र्दा और तरीके से भी बनाया जाता है, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको बनाना बताएंगे। ना चाशनी बनाएंगे, ना हम इसमें मावा ऐड करेंगे, फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बताते हैं ज़र्दा बनाने का तरीका। इसके लिए हमने लिए हैं एक कप चावल, ये मेजर के साथ में मेजर में ये कप, ये वाला कप जो हमने लिया है, ये चावल एक कप चावल लिए हैं। और इसमें चावल के बराबर ही आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं, हमने थोड़ी सी कम चीनी इसमें ऐड करी है। इसके अलावा हम इसमें लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, खोपरा और ये टूटी फूटी चार इलायची येलो फूड कलर, एक दालचीनी का टुकड़ा, चार लौंग और इसे ऐड करेंगे देसी घी। चावलों को हमने अच्छी तरह से तीन चार पानी से धो लिया और इसे आधे घंटे के लिए हमने भिगो दिया। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। यहाँ पे एक भगोनी के अंदर हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, हमारा पानी गर्म हो चुका है। ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा और ये लौंग, ताकि अच्छे से पानी के अंदर लौंग का फ्लेवर, दालचीनी का फ्लेवर आ जाए और इससे हमारे चावलों में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, कलर को हम अंदाज से डालेंगे, ना हमारे चावल का रंग ज्यादा गहरा हो ना ज्यादा लाइट कलर। ज्यादा डार्क कलर भी चावलों में अच्छा नहीं लगता दिखने में। पानी को अच्छी तरह बॉईल आने देंगे, इसमें भिगे हुए चावल ऐड करेंगे। बासमती चावल हमने लिए हैं, आप चाहें किसी भी चावल का इसे बना सकते हो, लेकिन बासमती का ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसे हमें इतना पकाना है कि एक कनी चावल की बस रहनी चाहिए। अब इस चावल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चावल हमारे गल चुके हैं, इसमें एक कनी है, बस ऐसे टूटने चाहिए। इसमें ये थोड़ा सा इसमें कसर रह जाए चावल में। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन चावलों को हम एक छलनी की मदद से छान लेंगे। अब इस पे डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी। अब इसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। दो टेबल स्पून हमने भर के इसमें देसी घी ऐड किया है। घी गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे इलायची। इसकी फ्लेम को हम करेंगे कम और इसमें हमने उबले हुए चावल है हमारे, जिसको अंदर आधे ऐड कर देंगे। इसको इस तरह से फैला देंगे। अभी चावलों के ऊपर इस तरह से हम आधी चीनी ऐड करेंगे। अब आधे चावल फिर से इसमें ऐड करेंगे ऊपर। इसे भी हम इस तरह से फैला देंगे। हम कम क्वांटिटी में बनाए हमने ये ज़र्दा, आप इसी प्रोसेस से ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप चावल लेंगे तो इसी तरह इतनी क्वांटिटी में आप इसमें चीनी लेंगे। अब ये चीनी भी इसमें ऐड करेंगे आधी बची हुई। अब इसमें ऐड कर देंगे काजू, कटा हुआ नारियल। इसे थोड़ी देर हल्के हाथों से हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से आप ये ज़र्दा बनाएंगे तो बहुत ही खिला खिला ये बनके तैयार होगा। कोई इसमें मावे की ज़रूरत नहीं है, कोई चाशनी की ज़रूरत नहीं है, बस इस तह लगा के, चीनी की जो तह लगाएंगे हम, इसी तरह से ज़र्दा बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। चीनी को मेल्ट होने तक इसे कवर करके पकाएंगे।
चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे टूटी फूटी। थोड़े से बादाम इसमें ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने कम कर दिया है। दम की आंच के ऊपर इसे हम दम लगा देंगे। 4 मिनट हमने इसे दम पे छोड़ दिया था। ये हमारा जर्दा बनके तैयार है। ये हमारा बहुत ही आसान सा जर्दा बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत आसान है इसे बनाना। परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।